गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली आ गई हूँ। यहाँ स्टेशन से बाहर ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई थी एकदम। सर बोर्ड का भी दर्द हो रहा है। देख रहा हूँ मेरे माथे पे टीके। जैसे मैं स्टेशन से बाहर आई ना, वैसे मुझे दुर्गा जी का जो मूर्ति लेकर घूम रहा था वो टीका लगा। सुबह सुबह दुर्गा जी का आशीर्वाद मुझे मिला दिल्ली में आकर। तो यहाँ स्टेशन से बाहर आकर एक चाय का दुकान है, चाय हम लोग पी लिए हैं। बस यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं किसी के जो मुझे लेने आने वाले हैं, उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए स्टेशन से बाहर आ गए, यहाँ चाय का दुकान है, यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ चाय भी हम लोग पी लिए हैं। तो यहाँ बैठकर इंतज़ार करें और उनसे आप लोगों को मैं मिलवाऊँगी। वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, किसी के दोस्त मानकर मानिए मेरे सबसे बड़े भाई मानो, एकदम बड़े भाई की तरह है। एक दोस्ती से भी हटकर दोस्ती है, क्योंकि जितने दोस्त लोग होते हैं ना कि फ़ोन न करने के बाद अगर फ़ोन किया जाए तो बोलते हैं कि आज याद आई, इतने दिनों फ़ोन क्यों नहीं किए, ये फिलहाल नहीं था, बोलते रहते हैं ना। लेकिन ये मेरे अच्छे दोस्त हैं जो कि एक साल के बाद फ़ोन करो, छः महीने के बाद फ़ोन करो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बोलते। अच्छे दोस्त बड़े भाई के समान है। तो आप लोग बस वीडियो को बने रहिए, मैं उनसे आप लोग को मिलवाऊंगी। देखिए यहाँ का दिल्ली का लाल किला है ना, लाल किला है। इधर ये रेड फोर्ट है चांदनी चौक, इधर की भी लेना, इधर की भी लेना। ये चांदनी चौक की लाल चांदनी चौक, ये चांदनी चौक की ये गौरीशंकर मंदिर। तो दिखाई दो पे आई 10 मिनट बाद ओपन होगा। ये मिलिए भोले शंकर से, हर हर महादेव। ये रास्ते में मिल गए हैं, देखिए इनको। तो मिलिए मेरे फ्रेंड से, इसके बारे में आप लोगों को बताई थी। ये मिले इनको, ये दोस्त कम बड़े भाई की तरह है। कभी भी इनके पास मैंने कॉल कर दो, कभी भी एक सवाल नहीं उठाते कि आज याद आई या इतने दिनों बाद क्यों। दोस्तों का ये सवाल होता है, लेकिन ये दोस्त से भी बढ़कर है, जो बड़े भाई की तरह। बोलिए कुछ जी। मैं भी इन्हें बहन की तरह मानता हूँ, और कभी भी आती है दिल्ली रहता हूँ मैं। कभी भी मैंने दिल्ली आती हूँ तो एकदम निश्चिंत रहती हूँ कि हाँ रिसीव करने या स्टेशन मुझे आ जाते हैं। और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, दिल्ली जब मर्जी आ जाए, जब बुलाते जब आ जाता है। बहुत अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा ना दिल्ली आती हूँ ना, सबसे ज़्यादा खर्चा इन्हीं से करवाती हूँ। वो खर्चे भी कोई बात नहीं, देखो फिर यहाँ देखने क्या नहीं सबसे मेन बात होती है, इंसान की एक सबसे बड़ी इंसानियत। देखो आप लोग यहाँ पर भेज वैज्ञानी खरीदा रहा है। आज शनिवार है ना, तो आज चिकन अंडे उंडे कुछ भी नहीं खा सकते भेज वैज्ञानी। वैज्ञानिक किसको किसको खाना है? भेज वैज्ञानिक। आज शनिवार इसीलिए आज ना ही चिकन वैज्ञानिक, ना ही चिकन और ना ही अंडे, कुछ भी नहीं। देखिए नान और ये क्या है, राजमा छोला और ये सलाद। कितने दिनों बाद ये नान और ये राजमा छोला। कितने दिनों बाद खाने को मिल रहा है? कितने सालों बाद? कितने सालों बाद? 3 साल। जो मजा है नान और छोले और छाछ, सच में आज मुझे ना कितने सालों बाद मुझे फिर से 3 साल बाद वाली याद आ रही है। बस यहाँ से जा रहे हैं हम लोग यमुनानगर का बस पकड़ने। यहाँ से यमुनानगर
बस मैंने दूसरा ये रास्ता बन गया है ना। हाँ, ये भी उधर पहले से उधर से था ना। हाँ। बाय। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं ठीक है। पहुँच के कॉल कर लीजिएगा। पहुँच के कॉल करिएगा। कॉल करूँगा मैं। ठीक है, जाना है वो करवाना है ना। ठीक है ठीक है। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक से लास्ट करते हैं। तो बहुत काफ़ी बहुत गर्मी हो रही है यार, यहाँ पर हालत ख़राब है गर्मी से, पूरा गर्मी से भींगी में बहुत काफ़ी गर्मी। ठंडा खरीदो ना, और ऊपर से काफ़ी गर्मी। मम्मी ठंडा खरीदो पीने के लिए। हाँ तो बस आप लोग अगली ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर अगली ब्लॉग में आप लोग को हर चीज़ दिखाऊंगा लेगा कहाँ में जाए। ठीक है, तो अब के लिए बाय 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 बाय। बढ़िया बढ़िया।